नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ ETF के बारे में जानकारी देता हूं और मेरा मेन मुद्दा ये रहता है आपको जानकारी देने का कि आप ETF से रेगुलर इनकम कैसे कमाएं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में तो आप पैसा बना ही लेंगे इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड के जरिए, लेकिन आज जो सबसे बड़ी चैलेंज है कि रेगुलर इनकम का सोर्स लोगों के पास में नहीं है। मैं कोशिश करता हूं आपको वही प्रदान करने का। तो अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बहुत सारे तमाम स्ट्रेटजी भरे पड़े हैं मेरे चैनल पे, जा करके देखिए, जिससे कि लंबे समय में अगर आप आते हैं ट्रेडिंग करने ETF में तो आपको एक भी रुपये का लॉस नहीं होगा और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते रहेंगे रेगुलर इनकम की तरह शेयर मार्केट से। तो दोस्तों, आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग करेंगे, उससे पहले मैं आपको जैसे बोलता हूँ, एक छोटा सा ETF का कोर्स है, अगर किसी भाई को करना है तो 6201514820 नंबर पे आप WhatsApp करके इंक्वायरी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे प्रूफ ऑफ मंथली इनकम स्ट्रेटजी। ठीक है, मंथली इनकम स्ट्रेटजी जो है उसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस महीने में अभी तक कितना पैसा कमाया, कैसे आप भी रेगुलर कमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि करंट मंथ का मेरा इनकम कितना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ में इसमें मैं आपको ETF वाइज शो कर दूंगा कि किसमें कितना प्रॉफिट कमाया, टोटल कितना कमाया इस महीने में, करंट मंथ इनकम क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको शो करने वाला हूँ कि ब्रोकरेज कितना लगा अभी तक जो मैंने कमाई किया। आज 9 तारीख है, 9 मई। ठीक है, 1 मई से 9 मई तक कितना कमाया और कितना ब्रोकरेज दिया। ठीक है, दूसरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ की, क्या डिस्कस करने वाला हूँ, वेन टू पुट सेल ऑर्डर। ठीक है, कि सेल ऑर्डर कब लगाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मंथली इनकम स्ट्रेटजी में, हम सेल ऑर्डर कब लगाएं और बाई ऑर्डर कब लगाएं। ठीक है, बाई ऑर्डर कब लगाएं ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, लास्ट तक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, यह स्ट्रेटजी है क्या, काम कैसे करती है, क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद में ये स्ट्रेटजी कौन से थ्योरी पे काम करती है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे काम करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी सिक्के को, कॉइन को हम लोग उछालते हैं 10 बार, ठीक है, तो 10 के 10 बार हेड या टेल नहीं आ सकता है। ठीक है, 10 के 10 बार हेड नहीं आ सकता है, 2 बार टेल आएगा, साइंस कहता है, या 10 के 10 बार टेल नहीं आ सकता है, 2 बार हेड आएगा, साइंस कहता है। तो ये तो आपको विनिंग, 2% का विनिंग तो नेचर दे रहा है, लेकिन अगर स्ट्रेटजी लगा के आप काम करोगे तो आपके विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि ETF स्विंग ट्रेडिंग में आपका जो है विनिंग स्ट्रेटजी क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको जिताएगी, तो आपको जिता सकती है सिर्फ और सिर्फ आपका डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, लगातार डिसिप्लिन तरीके से आपको इसको फॉलो करना है और फॉलो करके रेगुलर आपको इनकम बनाना है बिना कोई लॉस किए हुए, लालच में नहीं पड़ना है और डरना नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि मैं एक से आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो कोई भी आप बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बार आप रिसर्च अपने से भी कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप डिस्कस करके तब ही रिसर्च करें। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैं रेगुलर करता हूँ, आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रूफ ऑफ प्रॉफिट इन मंथली इनकम स्ट्रेटजी। ठीक है, प्रूफ ऑफ प्रॉफिट मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1 मई से लेकर के 9 मई तक कैसे कैसे आया है। यहाँ आप देखेंगे ऑटो 20, ठीक है, अनरियलाइज्ड है, यानी इसको बेचा नहीं गया, ये रियलाइज्ड है। एक दिन मैंने कमाया 822 रुपया 52 पैसा। ठीक है, यहाँ मैंने नोट कर दिया, आप देख लीजिए,
822.52 रुपया यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है, मैं इसको डिफरेंट कलर कर देता हूँ, ये देख लीजिए ठीक है। परसेंटेज है 1.91। मैं बता दूं कि थोड़ा मेरे पास, ये मेरा डेमो अकाउंट है, फंड की कमी है, इसीलिए मैं 2% पे बेचता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। और मैं 20 दिन का ही रखा है इसमें, मैंने 20 दिन का रखा हुआ है, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ 30 डेज रखने के लिए और 3% पे एग्जिट करने का मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। तो मैं 2% पे, इस पे 2 से 3% के बीच में कभी भी मैं इसको सेल कर देता हूँ, 2 से नीचे सेल नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैंने कमाया 822 रुपये, रियलाइज्ड प्रॉफिट कमाया ऑटो बीज में, 822 रुपया कमाया मैंने एक दिन। फिर कंज्यूम बीज में अनरियलाइज्ड है, छोड़ दीजिए। सीपीएसई में यहाँ देखते जाइए, जो माउस का कर्सर है, सीपीएसई में रियलाइज्ड फिर मैंने कमाया 872.17 रुपये, ठीक है, 2.5% का प्रॉफिट सीपीएसई में, 2.5% का प्रॉफिट कमाया, यहाँ मैंने नोट कर दिया है 872.17 रुपये। उसके बाद में मैंने कमाया गोल्ड बीज में रियलाइज्ड, यहाँ देख लीजिए रियलाइज्ड प्रॉफिट है 878.84 रुपया, ठीक है, 878.84 रुपया मैंने इसको भी मार्क कर दिया है। आईसीआईसीआई टेक में मैंने 1000 रुपये का प्रॉफिट है, नहीं सेल किया है क्योंकि 1% है अभी तक, ठीक है। आईटी बीज छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए था ये फंसा हुआ है। मैफेंग में मैंने कमाया है 1113 रुपया, ठीक है, तो 1113 रुपया मैंने यहाँ पे कमाया है मैफेंग में, 1113 रुपया हो गया। उसके बाद में MAFS में मैंने 811 रुपया कमाया हुआ है, 811 रुपया मैंने यहाँ पे कमाया है मैफेंग में। ठीक है, 811 रुपया मैफेंग नहीं, सॉरी MAFS में कमाया। फिर उसके बाद में अनरियलाइज्ड, 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 फिर रियलाइज्ड। MOM 100 में मैंने कमाया 940 रुपया, 940.70 रुपया, ये देख लीजिए 940.70 रुपया, ठीक है, तो ये मैंने कमाया 940.70 रुपया। फिर मैंने कमाया है, ये सब 1 मई से 9 मई तक का है, मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। MON 100 में अनरियलाइज्ड, फिर निफ्टी बीज में 577.63 रुपया, तो 577.63 रुपया आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा होता है, अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, फिर रियलाइज्ड। सिल्वर बीज में कमाया मैंने 944.84 रुपया, ठीक है, 944.84 रुपया सिल्वर बीज में मैंने कमाया यहाँ पे। टोटल हो गया, ये सबको आप टोटल करोगे तो 6961 रुपीज़, ठीक है, 6961, याद रखना 5961 रुपया, ठीक है। आप चलते हैं एक प्रॉफिट वाले में दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप डेट देख लीजिए, 1 मई 2023 से लेकर के 9 मई 2023 तक 5961 रुपया, ठीक है, 6.96K रियलाइज्ड प्रॉफिट है। ब्रोकरेज इसमें से हट जाएगा तो इसने मुझे दिया है 6.75K, ठीक है, देखिए 6962 रुपया मैंने कमाया, रियलाइज्ड प्रॉफिट इसने मुझे दिया है 6758 रुपया, ब्रोकरेज कटा मात्र 204 रुपया, ठीक है, तो 6700 रुपया मैंने कमाया, करीब 7 लाख के आसपास कैपिटल मैंने डाला है अभी इसमें, ठीक है, 7 या 6.5 लाख, ये ज़्यादा नहीं है इसमें, तो 20 दिन का ही मैंने रखा हुआ है, तो 1% तो अभी 9 तारीख से पहले ही आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, 6 लाख है तो 6700 आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको दिखा दिया मंथली इनकम, ये दिखा दिया, ब्रोकरेज दिखा दिया, वेन टू पुट सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर कब डालना है, आपको क्या करना है, मैं अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो अभी प्रेजेंट में है, देखिए बैंक बीज में 17000 रुपया लगा हुआ है, गोल्ड बीज में लगा हुआ है 7000, सिल्वर बीज में अभी प्रॉफिट बुक हो चुके हैं, ऑटो बीज में आज भी प्रॉफिट बुक हुआ है 10000, MS स्टॉप में लगा हुआ है, कंज्यूम बीज में 10000, 21000 इसमें, सबसे ज़्यादा लगा है ICICI टेक में 92000 लग गया है, 1356 रुपये का प्रॉफिट है, 1.49, 1.5% का प्रॉफिट है, उम्मीद है कि कल 2.5% से ऊपर कल निकल जाएगा, कल नहीं तो अभी इसको कैरी करेंगे क्योंकि अभी फंड है, बाकी किसी में ज़्यादा फंड नहीं लगा हुआ है, ठीक है।
आपको सेल ऑर्डर कब डालना है? आपको सेल ऑर्डर डालना है सुबह उठते ही, आप अपना ऑथेंटिकेट कर लीजिए दोनों पासवर्ड डाल करके CDSL का। उसके बाद में आप सेल ऑर्डर डाल दीजिए अपना 2.5 या 3% जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर आप सेल ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है। दिन भर इंतज़ार कीजिए, अगर 12-1 बजे तक कोई जैसे 1.5% के कोई ऊपर है तो उसमें आप सेल ऑर्डर डाल दीजिए। जरा भी ऊपर वोलेटाइल हुआ या फ्लक्चुएट किया और आपका सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो आपका बिक जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो दूसरे ETF में स्विच कर जाओ अगर करने का मन है तो, नहीं तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। आप 3 बजे के आसपास या 2-1 बजे के बाद कभी भी आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। सेल ऑर्डर डालना है सुबह में लिमिट लगा करके, और परचेज करना है आपको 1 बजे के आसपास, आप परचेज 1 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद में कभी भी परचेज कर लीजिए। सेल और बाई दोनों में आपको मैंने बता दिया। क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ETF कोर्स व्हाट्सएप नंबर 6201514820, ठीक है फ्रेंड्स। माई रेगुलर इनकम स्ट्रेटेजी 30 डेज, ये ETF हैं, 15 ETF हैं, हर एक सेक्टर के लिए गए हैं। IT का है, US का है, पब्लिक सेक्टर, मेटल, मिड कैप, फाइनेंस, फिर गोल्ड मेटल है, US इंडेक्स, निफ्टी बीज, फार्मा, ऑटो, बैंक, US नेस्डे के टॉप 50 है, FMCG है और चाइना का है, ठीक है। किसी को विस्तार पूर्वक जानना है ये स्ट्रेटेजी तो मेरे YouTube के आप चैनल पे चल जाइए, लेटेस्ट 2 वीडियोस डाले हैं मैंने, दोनों वीडियो ही इसी की है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्रूफ भी आपको दे रहा था क्योंकि कमेंट्स आते हैं ना कि प्रूफ दिखाओ कि क्या प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए मैंने 9 तारीख तक का प्रूफ बना दिया है। जैसे महीना ख़त्म होगा तो मैं महीने का आपको प्रूफ बना करके दे दिया करूँगा। एक वीडियो में इसके ऊपर ज़रूर डालूंगा कि मैंने इस महीने में रेगुलर इनकम स्ट्रेटजी से कितना पैसा मैंने कमाया, ठीक है। लॉस का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि मैं होल्ड करूँगा इसमें जितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि 1,05,000 रुपये एक ETF के लिए रखा हुआ है, टोटल 10,50,000 का बजट बनेगा। एक ETF में आप डालोगे 3,500 रुपये पर डे का आपका बाइंग होगा, ठीक है, पर डे का आपका बाइंग होगा। यहाँ आप नंबर ऑफ डेज की एंट्री कर सकते हैं देख करके, ये छोड़ दीजिए, दोनों का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ये दोनों कॉलम छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये दोनों येलो कॉलम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये 2,850 रुपये 50 पैसे का LTP आपको दिखाई दे रहा है, पोर्टफोलियो में आपका -2% है, तो यहाँ पे आप -2% भर देंगे, ठीक है। तो ये बताएगा कि 3,500 का आज नहीं खरीदना है क्योंकि 2% आपको सस्ता मिल रहा है, तो 4,200 का खरीदना है और 100 क्वांटिटी टू बी परचेज, 147 यूनिट आपको परचेज करनी है, ठीक है। ये क्या है, एक्सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है इसमें क्या, एक्सेल उसको मीन वैल्यू को, एवरेज के मीन वैल्यू को नीचे खींच के रखता है, और जैसे नीचे पुल करेगा अगर मार्केट गिर भी रहा है तो मार्केट के साथ साथ आपका एवरेज प्राइस को नीचे पुल करते हुए आगे बढ़ेगा, और जैसे ही जंप मिलेगा 2 या 3% का आप अपने हिसाब से 2.5% 3% लेके बाहर आओगे। जो जो आपका पैसा घुस रहा है प्रतिदिन 3,500-3,500 रुपये की परचेजिंग जो आप कर रहे हैं, आपका एक बार जो पैसा घुसा वो 3% कमा के ही बाहर निकलेगा, ठीक है। डेली 35,000 रुपये घुस रहा है तो 35,000 का 3% आपको कमा के ही निकलना है, तो 35,000 का 3% कितना हो गया, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, 35,000 का 3% हो गया 0.03, ठीक है। 1,000 रुपये प्रतिदिन 1,050 रुपये का आपको प्रॉफिट होना ही होना है, और कहीं अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मैफेंग 4-5% गैप अप ओपनिंग के साथ हो जाता है, PSU बैंक बीज भी गैप अप ओपनिंग कर देता है, बैंक बीज का भी गैप अप ओपनिंग होता है, ये सारे हाईली वोलेटाइल है, CPSE भी गैप अप ओपनिंग करता है 2-2% का, तो उसमें आपका परसेंटेज और बढ़ जाएगा, ठीक है। 1,050 रुपये हो गया आपका, ये महीने का आपका हो जाएगा, दिस इंटू 22 23,100 रुपये तो फिक्स हो ही गया, फिर अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो 27,000 या 30,000 के आसपास ये पहुंच सकता है, ठीक है। 10 लाख लगा के 30,000 रुपये आप आराम से कमा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई इसमें आपको लॉस होने की संभावना नहीं है क्योंकि ये ETF है।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ऊपर के लेवल पे फंस जाओगे, रेट टू रेट बाहर आ जाना किसी एक में फंस भी गए तो, ठीक है। लॉस तो बुक करना ही नहीं है, इसमें क्या करना है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा आप, ये मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। गांधी जी का आउटगोइंग बंद कर देना है, ठीक है, GANDHI, गांधी जी, गांधी जी छपते हैं किस पे, नोट पे छपते हैं ना गांधी जी, तो गांधी जी का आउटगोइंग बंद करना है, गांधी जी का सिर्फ इनकमिंग रखना है ETF ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, तभी पैसा बनेगा। गांधी जी का इनकमिंग रखना है, आउटगोइंग बंद कर देना है, किसी में अगर फंसते भी हो तो रेट टू रेट बाहर आना है ब्रोकरेज निकाल करके, ठीक है फ्रेंड्स। विनिंग स्ट्रेटेजी वो भी मैंने बता दिया आपको, सिर्फ डिसिप्लिन के साथ करना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इसी प्रकार का वीडियोज़ आपको चाहिए तो मात्र 100 लाइक्स मुझे आप दे दीजिए, ठीक है। मैं छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मैं 100 लाइक से खुश हो जाता हूँ। अगर 100 लाइक्स मिल गए तो मैं इसी प्रकार का एक तो महीने में ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस महीने की क्लोजिंग क्या रही है मेरी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर में, और मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर किसी को इंटरेस्ट है ETF ट्रेडिंग कोर्स में तो 6201514820 नंबर पर व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर लीजिए। वीडियो को थम्स अप, लाइक और एक कमेंट जाते जाते फ्रेंड्स प्लीज़ दे के जाइएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ा रहता है। और भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नॉलेजफुल वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।